सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ओमेगा 3 फिश ऑयल के बारे में, किसके प्रयोग से आपको क्या लाभ मिलेगा, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और किस मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं फिश ऑयल का किस केस में उपयोग किया जाता है। तो यदि आपकी आंखों में धुंधलापन दिखाई देता है या फिर आपका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा स्लो है या फिर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो आपकी बॉडी में लगता नहीं है तो उस केस में अगर आप फिश ऑयल का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं फिश ऑयल में होता क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड में। तो इसमें तीन तरह के वेरिएंट्स पाए जाते हैं, एक तो है DHA, दूसरा है EPA और तीसरा होता है ALA। ALA जो होता है आपको सभी प्रकार के भोजन से प्राप्त हो जाता है, जैसे आप हरी साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं उससे भी प्राप्त हो जाता है या फिर आप किसी भी जैसे फल का प्रयोग करते हैं उससे भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो आपका DHA और EPA है ये मछली से ही प्राप्त होता है। तो अगर आप मछली का रेगुलर प्रयोग नहीं करते हैं तो उस केस में आपके अंदर EPA और DHA की कमी हो जाती है। और अगर आपके अंदर EPA और DHA की कमी हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि आपकी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाएगा, आपकी आंखों से कम दिखाई देगा या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं और आपको अच्छी भूख भी लगती है और आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है फिर भी आपके मसल्स बिल्ड नहीं होते हैं तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके अंदर EPA और DHA की कमी हो। तो उस केस में भी अगर आप ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो उस केस में भी अगर आप ओमेगा 3 फिश ऑयल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें जो DHA EPA की मात्रा डाली गई है वो है इसमें 360 mg और जो DHA की मात्रा है 240 mg है और जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन लाइफ का है और ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसका जो प्राइस है ये 2499 रुपये में है लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में आपको छूट पे मिल रहा है। अगर आप इसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं फिर अमेजोन से परचेज करते हैं एक बॉक्स में दोस्तों 100 कैप्सूल आता है यानी 100 कैप्सूल्स और इसके कैप्सूल्स नॉर्मल कैप्सूल्स हैं जैसे अदर कैप्सूल्स होते हैं और एक कैप्सूल का हमने रिव्यू भी किया था फिश ऑयल का, कुछ उसी तरह के इसके भी कैप्सूल्स हैं आप देख लीजिए। और इसके जो बॉक्स होते हैं एक बॉक्स में 100 कैप्सूल आता है जिसको आप अमेजोन से या फिर न्यूट्रिशन लाइफ की वेबसाइट से आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों दिखाते हैं इसका ओवरव्यू कैसे दिखता है तो आप देख लीजिए यहाँ पे ओमेगा 3 फिश ऑयल लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रिशन लाइफ की ब्रांडिंग है और कुछ इंस्ट्रक्शंस इधर दिए हुए हैं प्लस इधर MRP है, कुछ इस तरह के इसके लेआउट हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जैसे आपको आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है या फिर आपकी आंखों के सामने धुंधलापन है या फिर आपके जॉइंट्स में पेन रहता है तो उस केस में आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या नुकसान करता है ये। तो ये जो नुकसान करता है अगर आपको सूट नहीं करता है कैप्सूल तो उस केस में जब आप इस कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो आपको मछली आ सकती है यानी उल्टी की संभावना हो सकती है। और उसके साथ साथ में अगर आपको मछली की जैसे गंध होती है उस तरह की डकारें आ सकती हैं यानी मछली का जैसे स्मेल होता है उस तरह की आपको डकारें आ सकती हैं या फिर आपको लूज मोशन हो सकता है। कुछ तीन तरह के इसके छोटे से साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपके बॉडी के ऊपर कोई नुकसान नहीं करते हैं। तो अगर आप इसका रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं जैसे आप कोई भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। और यदि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम हो जो हमने आपको बताई जैसे आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है या फिर अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा खाते पीते भी हैं फिर भी आपकी बॉडी नहीं बनती है तो उस केस में अगर आप ओमेगा 3 फिश ऑयल का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो जो जानकारी जो हमने आपसे ना शेयर की हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।